हेलो दोस्तों, बाजार पर राय के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इसमें चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, हम इसमें चर्चा करते हैं डॉलर्स की, ऑयल की, और उन सब का असर हमारे मार्केट पे क्या होने वाला है इसकी। फिर हम चर्चा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगले वक्त हम लोग को क्या चाल मिल सकती है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो स्टॉक्स हम लोग ने पिछले हफ्ते जिन पे हमने चर्चा की थी उनका क्या चाल रहा, उनमें हम लोग ने क्या पैसे कमाए, या स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हुआ, वो सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा इस हफ्ते में वो कौन से स्टॉक्स होंगे जहां आप अपना ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ पिछले हफ्ते में डाउ जोन्स में। तो हम ये देखेंगे कि डाउ जोन्स अपने अपने उच्चतम लेवल पे ट्रेड कर रहा है और इसकी जो चाल बनी है बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल बनी हुई है, और ये वीक ऑन वीक नई हाई बना रहा है। लेकिन इस वीक में उसने एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट दिया, छोटा सा करेक्शन दिया, और ये फिर से अपने अगले लेवल के लिए चलने के लिए रेडी है। इस जो रिट्रेसमेंट हुई थी वो काफी हद तक रिकवर हो चुकी है, और ये एक शानदार रिट्रेसमेंट थी जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मानी जाएगी, और ये अपने वापस से ऊपर के लेवल पे चलने के तैयार है। तो ये इसमें कोई ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, ये इसका अभी भी अप ट्रेंड बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है कि ग्लोबल जो ट्रेंड है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। चाहे आप यूरोप का मार्केट देखें या आप जापान का या अमेरिका का, सारे मार्केट काफी स्ट्रांग है। वो अपने अपने ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। छोटा मोटा जो करेक्शन पिछले वीक में आया था वो अभी जा चुका है, और ये अगले लेवल के लिए चलने के लिए तैयार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूएसडी आईएनआर के बारे में। यूएसडी आईएनआर ये मतलब डॉलर डॉलर इस वीक में उसने एक नया लो बनाया, और ये इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ अब नहीं मुझे दिख रही है। अब हम लोग हो सकता है कि यहाँ से ये डॉलर इस लेवल पे वापस हमको आते हुए दिखे, 72 के लेवल पे वापस आते हुए दिखे, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। गिरता हुआ डॉलर ये भारतीय मार्केट के लिए ये अच्छा साइन माना जाएगा। इसके बाद में अगर हम ये देखेंगे कि कच्चे तेल में क्या हो रहा है, ऑयल ऑयल लेकिन एवरी वीक एक अपना नया हाई पे ही बना हुआ है, और वीक ऑन वीक ये ऊपर के लेवल पे जा रहा है। तो जैसे ही ये 71 का ये जो लेवल है, या 71.48 का जो लेवल है जो इसने कुछ दिन पहले बनाया था हाई, ये लेवल जैसे ही टूटता है तो हम इसमें एक नई चाल बनते हुए देख सकते हैं। ओके, और हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है अगर ये यहां से ऊपर निकले तो 83, 85, 86 के लेवल में ये पहुंच सकता है। तो ये लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा काफी सारा जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल के रूप में ही होता है, और ऑयल के रूप में जो इंपोर्ट होगा वो अगर ऑयल अगर महंगा हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। तो एक तरफ डॉलर की गिरती कीमत हमारे लिए अच्छी वजह है, तो दूसरी तरफ बढ़ते हुए ऑयल की कीमत ये हमारे लिए बुरी बात है। तो फिर भी देखते हैं कि हमारा खुद का मार्केट क्या बता रहा है। तो चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी ने पिछले हफ्ते में क्या किया वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये निफ्टी फिफ्टी देखिए अभी भी अपने एक रेंज में ही चल रहा है। हम लोग ने जो रेंज बहुत छोटी सी ये मतलब ये रेंज बहुत छोटी है, इस रेंज के अंदर ही ये अगर हम लोग देखें तो उसी के अंदर ही ये घूम रहा है। ये जो लेवल है ये बहुत छोटी है, और पूरे पिछले वीक में उसने एक दिन केवल इस लेवल से बाहर जाके ट्रेड किया और ये फिर अपने लेवल में आ गया। तो इस वीक भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये रेंज टूटने की संभावना काफी कम लग रही है अभी। डेफिनेटली अगर मैं एसजेएक्स निफ्टी को देखूं तो 100 पॉइंट 100 सवा 100 पॉइंट का एक अप ट्रेंड बता रहा है, तो ये
इस लेवल के ऊपर खुलेगा, और इस लेवल के ऊपर खुलते ही हम इसमें यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे इस लेवल में, जब तक कि ये लेवल नहीं ब्रेक होता है। अगर इस लेवल में टूटता है तो वी विल वेट टू ब्रेक दिस लेवल विच इज 14,880। तो 14,800 ये स्पॉट की लेवल्स हैं, 14,880 का लेवल अगर ब्रेक होके वहां अगर मार्केट कुछ देर तक ट्रेड करता है तो हम अगली लेवल जो हमारी जो है कि जो हमने पिछले बार जो लेवल्स मार्क की थी उसी लेवल्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेवल 15,050 का ही होगा, और वहां अगर उसके बाद फिर ऊपर चढ़ने लगता है तो 15,175। मुझे नहीं लगता कि ये इससे ऊपर जाने की क्षमता इसमें रहे, तो आप इस लेवल में थोड़ा कॉशियस होके काम करें। यहां से यहां तक ये पहुंचने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर ये इसके ऊपर टिक जाता है तो, लेकिन नहीं टिकता है तो ये वापस यहाँ से नीचे की ओर आएगा, और फिर जैसे ही अगर ये नीचे की ओर आता है तो यहाँ हम लोग वापस से शॉर्ट कर सकते हैं इस लेवल पे, विच इज 14,800। 14,800 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे, और 1, 2, 3 लेवल के लिए जो कि आपको 14,400 तक का आपको दिखा सकता है। तो ऊपर का जो लेवल है वो मेरे लिए 15,175 से ऊपर नहीं जाता है, और नीचे का जो लेवल है वो 14,400 का ये लेवल मेरे लिए हो सकता है। तो इन दो लेवल्स के लिए आप ट्रेड करें जहां आपको सुटेबल लगता है। आपको ट्रेड करना है 14,400, 14,880 के ऊपर फॉर बाय साइड, और अगर यहाँ से ये नीचे गिर जाता है तो आप यहाँ से फिर एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो इस 14,880 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे कि जो लेवल हम लोग ने पिछले बार देखी थी, अभी भी हम लोग देखिए, मैंने पिछले बार कहा था कि इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी उसके ऊपर एक भी बार निकला नहीं, और नीचे की ओर हमने सोचा था कि इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, तो हमने यहाँ अगर सेल किया, जिसने भी इसके हिसाब से ट्रेड किया तो उसने यहाँ पैसे बनाए। तो ये सिंपल है, ये भी काफी हद में एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा पूरे वीक में। अब हम लोग फिर से अब क्या करेंगे, अब हमको एक ही काम है, अब हमारे लिए ये जो लेवल है, अब यहाँ से ये ऊपर, यहाँ से अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए, तो अब हम लोग एक लेवल नीचे आ गए। तो ये पर ये जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा हम लोग ऊपर के लेवल पे नहीं जाएंगे। तो अभी भी हमारे लिए जो लेवल्स हैं 31,100 और 31,200 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगा, सॉरी 32,000, 33,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तब तो हम लोग ऊपर के लेवल में के लिए ट्रेड करेंगे। अदरवाइज नीचे के लेवल हमारे लिए अभी भी खुले हुए हैं, इसको मैं निकाल देता हूं, और अगर मार्केट इसके नीचे गिरना शुरू करता है तो हम लोग नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। तो हमारे लिए लेवल्स रहेंगे 32,000 के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे 31,500 और 31,000 के लिए, और ऊपर साइड में हम लोग ट्रेड करेंगे 32,800 के ऊपर 33,100, 33,300 और 33,700 के लिए। ये हमारे लिए अगले वीक का टारगेट होना चाहिए। जब भी लेकिन आप इस हर लेवल को ब्रेक करने के बाद ही अगले लेवल के लिए ट्रेड करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। यहां से आपने ट्रेड ले लिया, आपका पहला टारगेट यही होगा, फिर आप यहाँ देखेंगे कि क्या ये लेवल टूट रहा है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप अगले लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये है सिंपल ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले वीक के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जो पिछले वीक में शेयर्स हम लोग ने डिस्कस किए थे उनका क्या हश्र हुआ, क्या उन्होंने आपको पैसे बना के दिए या आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। पहला हमने जो ट्रेड मैंने आपको दिया था वो था जीएमडीसी। जीएमडीसी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमको क्लियरली एक अच्छा प्रॉफिट हमारा बना हुआ है। ये इसको मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ पहले,
ताकि आपको सही रूप में मालूम पड़ेगा कि मैंने आपको इस लेवल पे इसको बाय करने के लिए कहा था, और ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टारगेट यहाँ हिट हुआ है। मामूली से एक छोटे से अंतर से हम उसको चूक गए, पर हमने ऑलमोस्ट अपने सेकंड टारगेट को यहाँ अचीव किया है। प्राइस वापस आ गई है। आप इसको वापस से एक बार अगर अच्छे लेवल पे आपको मिलता है, आप फिर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट काफी बड़ा है। लेकिन अब इस बार आप एंट्री करेंगे तो इस लेवल के ऊपर, मतलब 77 के ऊपर आप बाय करेंगे अब, और आपके लिए फिर नया टारगेट होगा 94 का। सेकंड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो था मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें हम लोग ने पैसे नहीं कमाए, क्योंकि ये आपको वहां कोई एंट्री मिली नहीं है, जहां हम लोग ने एंट्री कहा था उसके नीचे ही स्टॉक रहा, तो इसमें हमको ना एंट्री मिली, तो इसलिए हम लोग ने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया समझो। फिर हम लोग देखते हैं मॉइल, मॉइल ने हमको कितना रिटर्न दिया। हमने यहाँ एंट्री, हमारा ये एंट्री था, अगर हम लोग ने इस एंट्री के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट 20% का, सॉरी 10% का गेन हमको दिखता है। फिर हम लोग देखते हैं BASF में क्या हुआ था। BASF को अगर हम लोग देखेंगे तो इस हफ्ते में उसका एक रिजल्ट आना था, रिजल्ट बहुत अच्छा भी आया था। सॉरी ये अलग है, BASF ये नहीं है, BASF ये इंटरनेशनल कंपनी, लेकिन हमको इंडिया देखना है, BASF इंडिया। तो BASF में भी हमने यहाँ एंट्री की, लेकिन ये इस वीक में ऊपर का अच्छा एक लेवल हमको मिला 5% का, लेकिन मैं इसको अभी कोई मूवमेंट नहीं मानूंगा। अभी ये हम मैं मानता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और ये अभी अपने बाइंग प्राइस पे है, तो ये मैं कहूंगा कि हम लोग एज इट इज है, कॉस्ट टू कॉस्ट अभी खड़े हुए हैं, और इसके ऊपर अगले वीक मुझे अभी भी ये है कि ये अपने नए लेवल को टच करेगा जो मैंने आपको दिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे हम लोग कभी कभी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं, और रिजल्ट का असर भी देख सकते हैं, या प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं इसमें अभी भी जो मेरा पिछले वीक का जो इसके लिए जो टारगेट है, ये ऑलमोस्ट इस लेवल पे हम लोग देखेंगे तो ये 2729 और 3000 का हम लोग टारगेट इसको मान के चल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा पोजिशनल कॉल है, इसमें तो ये टारगेट्स आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर देखेंगे सीएससी में हम लोग ने यहाँ एंट्री कट, ये मेरा एंट्री लेवल था 645, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हुआ है, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट टारगेट फर्स्ट टारगेट के ऊपर पे ऊपर के लेवल के आसपास ही हैं, और सेकंड टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा प्रोबेबली एक अगले 1 या 2 वीक में। तो ये भी मैं जनरली जो भी कॉल देता हूँ वो अगले 2-3 वीक या कई बार 2-3 महीनों के टारगेट के हिसाब से भी देता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जब भी एंट्री करो वहां आपका तुरंत फायदा शुरू हो जाए, भले वो कितना भी लॉन्ग टर्म हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी वो आपको पैसा बना के दे दे, ताकि आप आराम से या तो शॉर्ट टर्म में पैसा बुक प्रॉफिट बुक करके भी रख सकते हैं, या आप लंबे समय तक भी खड़े रह सकते हैं। तो ये मेरा हमेशा सोच रहती है कि आप छोटे और लंबे दोनों समय में पैसे कमाएं। माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन वॉज HEG। एक्चुअली वी हिट बस स्टॉप लॉस हियर, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो दिस इज द वन ओनली स्टॉक वेयर वी हिट अवर स्टॉप लॉस, वी हैव आई हैव गिवन दिस हियर। मैंने इसको यहाँ आपको बाय करने के लिए दिया था, अगर किसी ने बाय किया है तो उसके लिए स्टॉप लॉस हिट है। अगर मैं वापस कहता हूँ, अगर ये वापस ऊपर आता है, इस लेवल के ऊपर चढ़ना वापस शुरू करता है, तो आप फिर एंट्री कर सकते हैं। ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, और इसमें लॉन्ग टर्म एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। हम जैसे जो इसका प्रोडक्ट है कार्बन रिलेटेड, जो इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है मार्केट में, और ये यहाँ और उसके ऊपर भी चलने की क्षमता रखता है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया है, लेकिन अगर आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ बाय करने की, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन था मोतीलाल ओसवाल, जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो
ये जरूर इसको मैंने यहाँ इसके ऊपर बाय करने का ये दिया था, लेकिन अगर एक्चुअली देखे तो हमको कोई यहाँ चाप और ये एंट्री नहीं मिली है। अगर एंट्री किसी ने ली भी है तो डेफिनेटली यहाँ भी उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन ये मार्केट हमने देखा पिछले वीक में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, यहाँ पूरे समय में मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी रही। उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमने, अगर मैं इसको भी मान लूं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ये दूसरा स्टॉप लॉस है जहां मेरा मेरा मतलब रिकमेंडेशन फेल हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वराज इंजिन में क्या हुआ। स्वराज इंजिन में हमने जहाँ एंट्री दी थी और ये हमारा स्टॉप लॉस था, एंट्री अगर की है किसी ने तो वो अभी लॉस में चल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी तक हमारा हिट नहीं हुआ है। और ये इसका जो मूवमेंट है, जिसका जो ट्रेंड है, वो अभी भी ऊपर की ओर बना हुआ है। मैं खुद इस ट्रेंड में हूँ और मैं इसमें काफी संभावना देखता हूँ। ये मेरा ऊपर का टारगेट है और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि ये ऊपर चलना चाहिए। लेकिन अगर ये नीचे की ओर चलता है मार्केट के हिसाब से, अगर हम लोग देखते हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट करता है, तो हम लोग इसमें से निकल जाएंगे। फिर हम लोग अगर देखते हैं वैभव, वैभव एक्चुअली ये मैंने दिया हुआ है और ये भी अपने बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है, लेकिन ये मेरा लॉन्ग टर्म पीक है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें बिल्कुल आपको डरना नहीं है, चाहे प्राइस कितना भी नीचे आ जाए, आपको इसमें बने रहना है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो हमेशा के लिए अप ट्रेंड में रहता है। एक छोटा सा इसमें करेक्शन आता है, फिर ऊपर, फिर आता है, फिर ऊपर की ओर चलता है। और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसके लिए हमको छोटे मोटे इसमें गिरावट की ओर ध्यान नहीं देना है। तो ये मैंने पहले भी कहा था। इसके बाद मैंने आपको वो कार्ड दिया था, वो फार्मा है, और हमने इसको यहाँ बाय के लिए रिकमेंडेशन किया था 573 पे, और ये अभी हमारे फर्स्ट टारगेट से काफी नीचे है, लेकिन इसने यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 656 का हाई बनाया है, जो करीब करीब 75 रुपीज, और अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब 15% का इसमें रिटर्न इसने हमको लास्ट वीक में दिया हुआ है, और अभी भी ये अपने ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने फर्स्ट और सेकंड टारगेट अचीव बिल्कुल करेगा, आप इसमें बने रहिए। ये एक लॉन्ग टर्म पीक है, इसको बिल्कुल भी आपको एग्जिट नहीं करना है। और लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि भेल, भेल भी मैंने आपसे कहा था कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म है, और ये लेवल था जो मैंने आपको बाय करने के लिए रिकमेंड किया था। और हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 57 से लेके इसने हाई टच किया है 76 का, तो मतलब ऑलमोस्ट 19 रुपीज, विच इज अराउंड 40% ऑफ योर 14 और 35% यहाँ से आपको इसमें रिटर्न मिला हुआ है। तो दिस इज अगेन फैंटास्टिक रिटर्न जस्ट विद इन अ 2 डेज। अभी इसने फिर नीचे की ओर ये किया है, अगर ये नीचे आता है तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है एंट्री करने के लिए, क्योंकि इसका जो टारगेट है, ये टारगेट बहुत लंबा है, टारगेट हमारे लिए कम से कम 150 रुपए का है। तो अगर आपने इसमें एंट्री नहीं की है और आपको उसको वापस एक छोटे इस लेवल पे आपको फिर एक बार एंट्री मुझे लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट काफी बड़ा है। अब इसी लेवल को आप स्टॉप लॉस बना लीजिए 55 को, और आप इसमें फिर एक नया एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नए स्टॉक्स जो हम लोग इस वीक में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर इसमें मेरा पहला जो एंट्री होगा, जो पहली मेरी रिकमेंडेशन है, वो है एक्सेल इंडस्ट्रीज। तो एक्सेल इंडस्ट्रीज में अभी हम लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, अगर इसका हम लोग चार्ट का पैटर्न देखें तो चार्ट का पैटर्न ये बता रहा है कि यहाँ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, और ये
इस इनवर्ड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेक हुआ है, तो यहां से ये अब वापस से चलने के लिए तैयार है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से अगर हम टारगेट देखेंगे तो हम इस टारगेट को भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए इस वीक का फर्स्ट रिकमेंडेशन है, एक्सेल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है मेरा, वो भी EX से शुरू होता है, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। एक्सप्लियो सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे कि इसने भी एक सेम सिमिलर हेड एंड शोल्डर का ही पैटर्न बनाया हुआ है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। और ऐसे पैटर्न्स जब भी बनते हैं एक अच्छा अपमूव हमको यहाँ मिलता है। अगर हम लोग ये यहाँ हम लोग यहाँ एंट्री करते तो ये मेरा पहला और ये दूसरा मेरा टारगेट होगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे 675 पे, टारगेट होगा हमारा 918 और 1241 या 9240 आप मान सकते हैं, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। और अगर हम लोग पैटर्न के हिसाब से भी देखते हैं तो ये दूसरा टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए। यहाँ से टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, ये हो सकता है आपको करीब करीब इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये टारगेट अचीवेबल है और आप इसमें आराम से एंट्री कर सकते हैं। तो मेरा देखिए, मैं जो भी ट्रेड दे रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों व्यू के साथ देता हूँ। आप जहां प्राइस प्रॉफिट एंट्री मिलेगी, आपको एंट्री साथ में टारगेट भी मिलेगा, उसके बाद में आप कहां तक रुकना चाहते हो और कहां आपको प्रॉफिट बुक करना, ये आपके ऊपर आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन लीजिए, गिनी फिलामेंट्स। ओके, तो गिनी फिलामेंट्स ये एक बढ़िया स्टॉक है जहां आप एंट्री ले सकते हैं। गिनी फिलामेंट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो इसने ये लेवल जो है उसको ब्रेक किया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है यहाँ, कप एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न ये जो बनता है वो इस तरह से बनता है, हम लोग इसको देखेंगे। ये एक इसको कप बोलते हैं और फिर ये एक हैंडल बनता है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न से ये ब्रेकआउट होके ऊपर गया है, ये लेवल पे एक रिट्रेसमेंट भी हो गई है ऊपर जाने के बाद में, यहाँ हम लोग बाय कर सकते हैं। ये मेरा तो अभी करंट प्राइस जो 2675 है उस पर हम लोग बाय कर सकते हैं। 21 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा 34 और 40 रुपीज का। तो इस टारगेट के लिए आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, और फाइनल टारगेट जो है मेरा 46 का। तो यहाँ से ये डबल होने के चांस है, आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो है वो है NB या नव भारत कॉरपोरेशन, नव भारत वेंचर्स। तो ये NB वेंचर्स जो है यहाँ हम लोग देखते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर गई, फिर से रिट्रेस हुआ, और इस रिट्रेसमेंट के बाद में हम लोग इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं जो कि 98 है। 94 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 110 और 127 ये मेरे टारगेट्स होंगे नवभारत वेंचर्स में या NB वेंचर्स में। और आखिरी सांगवी मूवर्स। सांगवी मूवर्स अगर हम लोग देखते हैं तो सांगवी मूवर्स सॉरी ओके सो सांगवी मूवर्स, इसका अगर हम लोग चार्ट देखते हैं, इसने भी काफी अच्छी जो गिरावट के बाद में एक अच्छा खासा रिकवरी अब यहाँ हुई है, और ये एक नया लेवल इसने ब्रेक किया है जहां से ये अब ऊपर का जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूस करता हुआ दिखता है। इसने एक हम अगर हम लोग ये देखें कि ट्रेंड लाइन जो एक ट्रेंड लाइन
ब्रेकआउट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, वो भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसने एक दिया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एक्चुअली हम लोग को थोड़ा पहले मिल चुका है ये अगर हम लोग देखते हैं तो। और अब ये ट्रेंड ये बताता है कि ये जो डाउन ट्रेंड था ये खत्म हो चुका है, और ये डाउन ट्रेंड जो खत्म हो चुका है और ये ऊपर चढ़ने के लिए जो अपनी चाल दिखा रहा है वो इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ हम लोग बाय करेंगे 162 पे। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 194, सेकंड टारगेट होगा 224 और थर्ड टारगेट होगा 271। स्टॉप लॉस हम लोग इसमें रखेंगे 149 का। तो दोस्तों ये थी पांच रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, और मुझे आशा है कि इनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मेरी ये आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं कि आप अच्छा कमाएं। लेकिन इसमें आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये जो भी रिकमेंडेशन मैंने दी है ये मेरी अपनी स्टडी के बेस पे है, ऑन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपनी खुद रिसर्च कीजिए, अपने एडवाइजर से इसमें सलाह लीजिए ट्रेड लेने से पहले, और उसके बाद ही अपने ट्रेड लीजिए। आपके होने वाले किसी भी फायदा या नुकसान के लिए मैं पर्सनली जिम्मेदार नहीं हूँ, पर मुझे आशा है कि आप मेरे ट्रेड्स फॉलो करते होंगे और उनको उस पर ट्रेड भी करते होंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ट्रेड्स आपने देखे हैं कि इसमें अच्छा पैसा बना हुआ है। तो अगर आप मेरे ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं या उसको वॉच कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये एक अच्छे रिकमेंडेशंस हैं, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस का फ़ायदा उठा सके, वो लोग भी पैसा कमाएं, आप भी पैसा कमाइए। लेट्स ग्रो टुगेदर, यहाँ सबके लिए मौका है, आप सब लोग पैसे कमाएं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी शुभकामना है। और इसके साथ ही ये मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पर आके अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।